नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टेक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की अगस्त तक होगी नियुक्ति, भर्ती शेड्यूल जारी। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में करीब 94,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति 3 माह के भीतर हो जाएगी। 31 अगस्त को चयनित शिक्षकों को नियोजन पत्र दे दिए जाएंगे। सोमवार को शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। सीएसबीसी ने जारी किया बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट। केंद्रीय चयन परिषद यानी सीएसबीसी ने 11,880 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अगले चरण शारीरिक परीक्षा के लिए पद से 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। केंद्रीय चयन परिषद के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 12,64,657 है। खबरों की माने तो शारीरिक परीक्षा जुलाई के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। आपको बता दें कि लिखित परीक्षा 12 जनवरी और 8 मार्च 2020 को आयोजित की गई थी। बिहार में नए नियमों के साथ खुले मंदिर, मॉल और होटल। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 1 के तहत दी गई छूट के मुताबिक सोमवार से पटना समेत पूरे बिहार में कई आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई। मंदिर, मस्जिद व अन्य धर्म स्थल खोल दिए गए हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और मॉल भी खुल गए हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के तहत बिहार सरकार ने अनलॉक 1 के प्रथम चरण में इन गतिविधियों की इजाजत दे दी है। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश का पुनर्पालन करना होगा। जमुई में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे ऑपरेटरों की पिटाई, 3 जेसीबी में लगाई आग। बिहार झारखंड सीमा पर स्थित जमुई के चकाई थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 3 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान जेसीबी ऑपरेटरों की पिटाई कर नक्सलियों ने उनके मोबाइल और पर्स को भी छीन लिया। वारदात नक्सल प्रभावित बोंगी पंचायत के बोंगी गांव में रविवार की रात 12 बजे घटी। नवादा में महिला और युवक की पहले की पिटाई, फिर सिर मुंडवाकर घंटों गांव में घुमाया। बिहार के नवादा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने 35 वर्षीय विवाहिता महिला व उसके कथित प्रेमी को पकड़कर पहले तो बुरी तरह से पीटा, बाद में सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घंटों घुमाया। घटना नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के एक गांव के रविवार की सुबह करीब 10 बजे घटी बताई जाती है। खबरों की माने तो गांव में पंचायत बुलाकर घटना की लीपापोती की कोशिश चल रही है। सासाराम में जेल से छूटकर आए युवक के दिन दहाड़े हत्या। सासाराम के केबराडी में एक युवक के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम सिप्पू है और वह भी आपराधिक केसों का आरोपी था। सिप्पू हाल ही में जेल से छूटकर आया था। सिप्पू को एक के बाद एक कई गोलियां मारी गई, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। मृतक सिप्पू पटेल करगहर थाना क्षेत्र के भलूनी का निवासी था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। छपरा में स्कॉर्पियो से कूदकर युवती ने बचाई अपनी जान। सारण जिले के रिवीलगंज थाना क्षेत्र के पहिया ढाला स्थित मिडिल स्कूल के पास NH-19 पर स्कॉर्पियो से कूदकर एक युवती ने अपनी जान बचाई। इस मामले में परिवार के 3 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रथम दृष्टया हॉरर किलिंग की साजिश नाकाम हुई है। युवती का कहना है कि उसके परिजन उसकी हत्या करना चाहते थे। हिरासत में लिए गए तीनों व्यक्तियों के पास से चाकू व रस्सी भी बरामद की गई है। बीजेपी ने भी कहा, क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। जदयू ने विधानसभा चुनाव 2020 के लिए नया नारा गढ़ा है, वह है क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। रविवार को देश के पहले बिहार केंद्रित वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि 2020 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यानी अब बीजेपी ने भी मान लिया है कि क्यों करे दूसरे का विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। लालू ने बिना नाम लिए नीतीश पर कसा तंज, ट्वीट कर बताया डरपोक मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सोमवार को बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। लालू ने ट्वीट कर नीतीश को डरपोक मुख्यमंत्री बताया और लोगों से पहेली बूझने को कहा। उन्होंने पूछा कि किस प्रदेश का डरपोक मुख्यमंत्री विगत 83 दिन से घर से बाहर ना निकला हो। तेजस्वी का सीएम नीतीश कुमार पर वार, कहा हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़िए, कोरोना मैनेजमेंट करिए। बिहार में कोरोना संक्रमण में बढ़ते मामलों को लेकर अब सियासी घमासान भी तेज होने लगा है। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद और पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरा है।
तेजस्वी यादव ने कोरोना के बढ़ते मामलों और इसकी जांच को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के नसीहत देते हुए कहा कि हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़िए और कोरोना मैनेजमेंट करिए। अब देश दुनिया की खबरें। भारत चीन सीमा विवाद के बीच लद्दाख प्रोजेक्ट के लिए झारखंड सरकार ने दिए 11,800 मजदूर, 20% ज्यादा मजदूरी देगा बीआरओ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीमाई इलाकों में अहम प्रोजेक्ट के लिए राज्य से 11,800 श्रमिकों की भर्ती को लेकर सीमा सड़क संगठन को अनुमति दी है। बीआरओ ने जिन 11,815 श्रमिकों की भर्ती का अनुरोध किया है, उनकी जरूरत लद्दाख में ऑपरेशन विजय, उत्तराखंड में प्रोजेक्ट शिवालिक, हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट दीपक, जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट बिकेन के लिए है। खबरों की माने तो बीआरओ को मजदूरी 15% से 20% बढ़ाने के लिए कहा गया है। अनामिका शुक्ला केस के बाद यूपी के 746 स्कूलों में जांच के आदेश। यूपी के 25 जिलों में अनामिका शुक्ला नाम से नौकरी करने के खुलासा के बाद यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने लड़कियों के लिए बने सभी 746 आवासीय स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच का आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अनामिका के असली प्रिया सिंह नाम पर भी एफआईआर दर्ज की है। भारत को सितंबर तक मिल जाएंगे 2777 सेल्फ प्रोटेक्शन सूटर्स से लैस होगा पीएम मोदी का नया विमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा वाले दो विमान भारत को जल्द मिलने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि बोइंग कंपनी की ओर से तैयार दो 2777 विमान सितंबर तक भारत को मिल सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुखार और गले में खराश, होगा कोरोना टेस्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुखार और गले में खराश है, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मंगलवार को उनके कोरोना वायरस टेस्ट होगा। केजरीवाल को रविवार से ही बुखार है। अरविंद केजरीवाल को बुखार आने के बाद उनकी सभी बैठकों रद्द कर दी गई है। अमेरिका ने कहा ईरान के साथ कूटनीतिक दरवाजा अब भी खुला। ईरान के लिए अमेरिका के विशेष ब्रायन हुक ने कहा कि ईरान के साथ व्यापक रूप से बातचीत के लिए कूटनीतिक दरवाजे अब भी खुला है। ईरान द्वारा अमेरिकी नौसेना के पूर्व जवान माइकल व्हाइट को रिहा किए जाने के एक दिन बाद हुक ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई वर्षों से कूटनीतिक दरवाजे खोल रखा है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।